दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा 8वां समन। सिंह आपको बताया चले कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे। और आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है, ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के द्वारा भेजे गए 8वें समन में पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं। 8वां समन की डेट थी सर, आपको भी समन। वो चाहते हैं कि हम अपना गठबंधन, हम गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार, जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है, तो क्या ईडी को केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना, वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे, कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट भी, कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं, तो उनका मकसद बेसिकली ये है। इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं भाई गठबंधन तोड़ दो, गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। थैंक यू सर।